विधानसभा में स्पीकर और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में ही लिए गए चार बड़े फैसले। गांवों की बदलेगी सूरत, 11,000 गांवों में कचरा प्रबंधन, वहीं 3.65 लाख परिवारों को इस साल मिलेगा शौचालय। और आपको हम बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री और स्पीकर में ठनी है, उसका असर भी देखने को मिला है। स्पीकर और मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष पूरे दिन सदन में नहीं आए, अपने चैम्बर में बैठे रहे। स्पीकर, दिन भर में मात्र 38 मिनट ही विधानसभा चली, गूंजते रहे दो शब्द इस्तीफा इस्तीफा, इधर से जवाब आती थी बैठिए बैठिए बैठिए। राज्य में 8,853 ANM की बहाली जल्द होगी, स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में दी जानकारी। और बहुत बड़ी खबर, आज इंटर का रिजल्ट आ गया है। इस बार 13.45 लाख परीक्षार्थी, और मनीष शरीफ में मुख्यमंत्री ने चादर पोसी कर मांगी दुआ। कैबिनेट का बड़ा फैसला, मेयर डिप्टी मेयर को सीधे जनता चुनेगी। अस्पतालों के लिए अलग बिजली फीडर, वित्त रहित कॉलेजों के लिए 684 करोड़ मंजूर। वहीं चिराग पासवान का बहुत बड़ा बयान, इतिहास में पहली बार किसी सीएम ने स्पीकर को उंगली दिखा धमकाया, यह शर्मनाक है। अब चिराग पासवान ने कहा, अफसरशाही हावी है, पुलिस व अफसरों को बचाने के लिए स्पीकर को सीएम ने अपमानित किया है, मुख्यमंत्री जल्द दे इस्तीफा। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्ने से, अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। आपके काम की खबरों को चुन चुन कर हम लाते हैं, इसलिए लाजमी है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो फटाफट हम प्रमुख खबरों की ओर बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री और स्पीकर में जो ठना है अपराधी घटनाओं को लेकर, उसका असर देखने को मिला। विधानसभा में सामान्यतः रोज 285 मिनट तक सत्र चलता है, लेकिन 38 मिनट ही चल पाया। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा चैम्बर में बैठे रहे, सदन में नहीं आए। उनके अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष डॉक्टर मधेश्वर हजारी ने भी कार्रवाई का संचालन नहीं किया, बल्कि सभापति के रूप में प्रेम कुमार आसन पर बैठे रहे। भारी शोर शराबा होता रहा। विपक्षी दलों का आरोप है कि अपने अफसरों और पुलिस को बचाने के लिए मुख्यमंत्री स्पीकर को अपमानित किया है, इसलिए मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। उधर प्रेम कुमार बैठिए बैठिए का गुहार लगाते रहे, लेकिन नहीं बैठे। 38 मिनट में ही दो बार सदन को स्थगित करना पड़ा, उसके बाद सदन को बंद कर देना पड़ा। भाई वीरेंद्र ने कहा, सदन की अवमानना हुई, स्पीकर को निर्देश देना उचित नहीं। विजय चौधरी बोले, सीएम ने सम्मान के साथ हाथ जोड़ अपनी बात कही है। और इधर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला किरायेदारों के हक में है कि किरायेदार का किराया न चुकाना कोई दंडनीय अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदार के खिलाफ FIR रद्द कर दिया है। सीएम ने कहा, निर्माणाधीन सड़क के कार्य को तेजी से पूरा करें। नीतीश कुमार ने बिहटा शर्मेरा चंडी हरनौत पथ का किया निरीक्षण, अधिकारियों ने निर्माण कार्य संबंधित विस्तृत जानकारी दी, पुराने पद को भी ठीक से मेंटेनेंस रखने का निर्देश दिया। और आपको बता दें कि महज 38 मिनट सदन चले, महज 10 मिनट में ही पारित हो गया चार विभागों का बजट। और उस बजट के जो मुख्य जो सबसे बड़ी बात यह है कि 3,65,000 परिवारों को इस साल शौचालय का सौगात मिलने वाला है, और 11,000 गांवों को में कचरा प्रबंधन होगा, शुरू हो जाएगा। और स्पीकर के अनुपस्थिति में सभापति डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया सदन का संचालन। उद्योग मंत्री बोले, मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए बेतिया में मिले
1719 करोड़ एकड़ जमीन। गन्ना उद्योग मंत्री बोले, किसानों को गन्ने का उठाव सुनिश्चित कराया गया है और विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ है। राबड़ी देवी और जदयू के मंत्रियों के बीच तीखी बहस हुई है। राबड़ी देवी और राजद के सुनील कुमार इस बात पर अड़ गए कि प्रोसीडिंग में उनकी बात जाएगी। मुख्यमंत्री उपपूर्व मुख्यमंत्री तीखी नोक जो राबड़ी देवी ने मंत्री अशोक चौधरी पर आरंभ अपमर्यादित टिप्पणी की है और इसे कार्रवाई से हटाने की मांग की जा रही थी, लेकिन राजद अड़ा रहा कि नहीं, यह कार्रवाई का हिस्सा है, कार्रवाई में जाएगी। को वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने बिहार में निवेश की इच्छा जताई है और राजीव रंजन ने कहा, तेज प्रताप के पार्टी विरोधी कृत्यों पर क्यों नहीं बोलते तेजस्वी यादव। और बिहार के में विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करें। और वही सुशील मोदी ने कहा है कि बंगाल से बिहारियों को खदेड़े जाने की बयान दिया गया है, इस पर तेजस्वी यादव क्यों चुप हैं? बिहारियों को बंगाल से भगाने की धमकी पर राजद क्यों खामोश है? और पटना व गया मेडिकल कॉलेज अपग्रेडेशन के लिए 60 करोड़ रुपये स्वीकृत, सेंटर ऑफ एक्सीलेंट बनेगी। और बहुत बड़ा फैसला आ रहा है चुनाव, नगर परिषद चुनाव को लेकर, कि कैबिनेट में फैसला ले लिया गया है, मेयर और डिप्टी मेयर अब सीधे जनता चुनेगी और अस्पतालों के लिए अलग बिजली फीडर। अब बिजली फीडर जो है अस्पतालों के लिए अलग से वायर जाएगी और उन्हीं से बिजली आपूर्ति हो जाएगी। और वित्त रहित कॉलेजों के लिए तो होली के पहले होली गिफ्ट मिल चुका है, लगभग 6.5 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, 650 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। और कर्नाटक हाई कोर्ट बोला, स्कूल और कॉलेजों को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है, हिजाब इस्लाम की जरूरी प्रथा नहीं, क्लास में यूनिफॉर्म जरूरी। हाई कोर्ट कोर्ट ने कहा, अधिक से अधिक सांस्कृतिक प्रथा है हिजाब। कैसे शुरू हुआ हिजाब से जुड़ा विवाद आपको पता ही है कि 1 जनवरी को उटपी के एक कॉलेज ने हिजाब पर बैन लगाया था, उसके बाद यह मामला तुल पकड़ गया। छात्राएं बोली, सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। और मोदी बोले, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का बयान है कि भाजपा में वंशवाद नहीं चलेगा, सांसदों के बेटे का टिकट मैंने कटवाया है। उन्होंने जिम्मेवारी ली है कि भाजपा में वंशवाद नहीं चलेगा, सांसदों के बेटे का टिकट मैंने कटवाया है, डंके के चोट पर कहा है उन्होंने। और लोकसभा में कांग्रेस के 44% और भाजपा के 25% सांसद घर के हैं। हमलों के बीच यूक्रेन के समर्थन में कीव पहुंचे नाटो देशों के 3 PM, ताबड़तोड़ रूसी हमले को बीच 3 नाटो देशों के पीएम यूक्रेन पहुंचे हैं। 3 तरफ से घिर चुकी राजधानी कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की मुलाकात, पोलैंड के पीएम मातेओस मारावीकेसी, स्लोवेनिया के पीएम यानेस यांसा और चेक रिपब्लिक के पीएम पेत्र फियेल ने कहा, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण मानवता के खिलाफ है, यह बताने के लिए हम यूक्रेन के समर्थन में यहाँ आए हैं। और गंगा में रोज 6 किलोमीटर नाव की सवारी कर मीना और उसकी टीम ने 6 माह में हरदासपुर दियारे में 4500 लोगों किया वैक्सीनेट, जज्बे को सलाम। और इधर क्लाइंट नामांकन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 9 मई तक भर सकेंगे फॉर्म, क्लाइंट की तिथि आगे बढ़ाने के साथ ही पूरे शेड्यूल में बदलाव किया गया है। और पुलिस मित्र आंदोलनरत है, पुलिस मित्र भिक्षाटन करते जा रहे थे राजभवन, लाठीचार्ज, 6 घायल, सरकार से मानदेय और अस्थायी नौकरी की मांग को लेकर निकले थे कारगिल चौक से। शिक्षा मित्र की तरह बहाली का मिला था आश्वासन, पुलिस मित्र को सरकार ने बहाल किया था लेकिन उसे सरकारी नौकरी नहीं मानी, अस्थायी नौकरी नहीं दी गई थी, ना ही उन्हें वेतनमान मिलता है, तो भिक्षा मांगते हुए वो राजभवन का मार्च कर रहे थे, बीच रास्ते में उनकी पिटाई हो गई, 6 घायल हो गए। पूर्व मध्य रेलवे के जीएम ने समस्तीपुर मंडल का वार्षिक निरीक्षण किया और पटना के ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पुलिस के रडार पर।
लौटी होली के रंग, डेढ़ गुना हुई त्योहारों से जुड़ी बिक्री, कोरोना में कम हो गई थी बिकवाली। नोट डबल कर ठगी करने वाले दो पुलिस के सिपाही गिरफ्तार, गिरोह का भंडाफोड़, एक चालक भी पकड़ा गया, 58,000 रुपये मिले। सरगना नोट डबल कर देता था, सिपाही छीन लेते थे। वाह, मामला कितना दिलचस्प है आप समझिए। बेतिया मंझोलिया से खबर आ रहे हैं, बेतिया जिले से नोट डबल करने वाले गिरोह जिले में घूमते थे। पुलिस ने इसका भंडाफोड़ किया। इस मामले में दो पुलिस के जवान समेत एक चालक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार पुलिस जवान लखीसराय निवासी राकेश कुमार और वहीं रोहतास निवासी सुरेंद्र कुमार, स्कॉर्पियो चालक सुगौली निवासी राजा हुसैन बताए गए। दोनों पुलिसकर्मी वर्तमान में पुलिस पूर्वी चंपारण जिले में के पुलिस लाइन में पदस्थापित है। देखिए मामला कैसे ठगी करते थे। नोट डबल करने वाला गिरोह था, पहले एक जगह बुलाता था व्यक्ति को पैसे लेकर और पैसे दुगना कर देता था। पैसे जितने लेके आते थे दुगना कर लेता था और उसके आगे बढ़ जाते ही घात लगाए पुलिस उनसे पैसे छीन लेते थे। पाईकांडों में पटना के आरती ने शेखपुरा की वर्षा को हराया। भागलपुर प्रवृत्ति मारपीट पथराव मामले में दोनों पक्षों के 8 लोग गिरफ्तार। और खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर बेगूसराय लौट रही खगड़िया कबड्डी टीम की 8 महिला खिलाड़ी हुई बेहोश। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज, कोच ने कहा बेगूसराय नहीं, नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद यह लौट रही खगड़िया टीम की खिलाड़ी बेहोश हो गई। फूड पॉइजनिंग का केस है। पेट दर्द और सांस की तकलीफ के बाद पीजी हॉस्टल में रह रहे छात्र की मौत। कटिहार के गांव में 3 दिन में 4 संदिग्ध हालात में मौत। जिला प्रशासन कह रहा है बीमारी से गई जान। 10 माह से फरार चल रहे एंटीजन किट कालाबाजारी के आरोपी को जमानत लिए बिना ही कराया योगदान। मुजफ्फरपुर की घटना है। सीएम ने कहा प्रबंधक पर केस दर्ज हुआ था पर वह पुलिस जांच में दोषी नहीं पाया गया। दरभंगा दियरा क्षेत्र के कुख्यात काजल यादव को गोलियों से भुना। सहरसा के महिषी प्रखंड के उप प्रमुख इनकी पत्नी ही है। कश्मीर में चुनाव की आहट पर घरों से दूर पुलिस सुरक्षा में दुबके हैं सरपंच। चुनाव की आहट वहां हो गई है लेकिन वहां के सरपंच और जितने पंचायत प्रतिनिधि डर के मारे पुलिस सुरक्षा में जिला मुख्यालय या श्रीनगर में दुबके हुए हैं। एक कमरे में 5 से 7 सरपंच रह रहे हैं, बीमार हैं लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं। 1,000 तनख्वाह और जान का खतरा है, तो ऐसे में लोकतंत्र कैसे बचेगा? सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग हब ठप, आधी इकोनॉमी पर असर, चीन के 11 शहरों में लॉकडाउन। कोरोना रिटर्न चीन में आ गया है। रामायण से भी पहले होती थी होली, उस पर हम्पी में विदेशी सैलानियों के साथ स्थानीय लोग उड़ाए रंग गुलाल। 2 साल बाद कर्नाटक के हम्पी में 17 मार्च से शुरू होगा उत्सव। और भारत व सऊदी अरब हथियार खरीदने में दुनिया के टॉप पर है। सिप्री ने रिपोर्ट में चीन के साथ तनाव के कारण माना है। और सोनिया ने यूपी पंजाब सहित 5 राज्य चुनावी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष से मांगा इस्तीफा। अमेरिका में बिजली महंगा, लोग सोलर ऊर्जा वाले घर बना रहे हैं। वही पीएनबी में एक और घोटाला सामने आया है। पंजाब नेशनल बैंक में 2,060 करोड़ रुपए की एक और धोखाधड़ी। पंजाब नेशनल बैंक इतनी अच्छी बैंक फिर से बदनाम हो रहा है। और अभी 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 खबर आ रही है पंजाब के सीएम ले रहे हैं भगत सिंह के गांव में शपथ ग्रहण, उस बारे में हम आपको और बताएंगे। तो दोस्तों यह थी आज आपकी काम की खबरें। और आप लोगों से एक गुजारिश है, आप होली का पर्व का आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। सुरक्षित होली मनाएं, लोगों से वैमनस्य मिटाएं और हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।